सर देखिए, यूथ की तो बात जहाँ तक करते हैं तो यूथ में है कि बड़ा आक्रोश है। जो नौकरियाँ देने की बात की गई थी सरकार में, वो आज तक नहीं मिली है। कैसे मिलेगी? क्योंकि अधिकतर गवर्नमेंट विभाग सरकारी ठेकों पे चले गए हैं। कहाँ से मिलेगी नौकरियाँ? 25,000 रुपये कमाने वाले को आप 5,000 रुपये दे रहे हो, इसमें एक बेरोज़गारों के लिए उसकी शिक्षा का, किसी भी चीज़ का कोई भी महत्व नहीं रह गया इस कारण से। तो इस कारण को लेकर के युवाओं में बहुत ही ज़्यादा असंतोष है। और दूसरी बात यह है कि आज सरकार नौकरी निकालती है, 11,500 पद निकालते हैं, तो कहीं पे भी देखा जाता है, आप अखबार में, मीडिया में, हर तरीके से देखते हैं कि भर्तियां रद्द हो जाती है, कोर्ट पे स्टे लग जाता है, कि मतलब जो विद्यार्थी मेहनत करके आगे बढ़ता है उसको चांस ही नहीं मिल पाता, वो भर्तियाँ रद्द हो जाती है, ख़त्म करनी। कुछ फिक्स टर्म कानून है उसके बारे में जानकारी है? नहीं सर, मेरे को नहीं पता। फिक्स टर्म कानून का मतलब है कि अब किसी को परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी, ये कानून केंद्र सरकार ने बना दिया है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप किसी को, किसी भी यूथ को, जो भी नया बच्चा पढ़ के जब बीई करके जाएगा, चाहे डिप्लोमा, डिग्री डिप्लोमा करके जाएगा, कारखानों को अब स्थायी करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। जो थोड़े दिन रखेगा, थोड़े दिन बाद हटा देगा नौकरी से, ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो ला दिया लॉ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, इसके बारे में हम युवा क्या कहेंगे, जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसका बैस। आज केंद्र में भी सरकार है, मतलब हर तरीके से मोदी जी छाए हुए हैं, तो वो युवाओं के लिए कुछ करें या नहीं करें, लेकिन वो ये कानून ज़रूर बनाएंगे कि सर नौकरियां ख़त्म की जाए। ये उनको ये नहीं कहेंगे कि भाई ये जो पैसा गया है, जो पैसा लूटा गया है उद्योगपतियों द्वारा, उनको वापस नहीं लाएंगे, बल्कि ये 5,000 रुपये कमाने वाले या फिर उन युवाओं को जो रोज़गार के लिए मेहनत करते हैं, उनको, उनका ये सुविधा ये बंद करेंगे, ये नियम कायदे लागू करेंगे कि आगे जाकर के इनको 5,000 रुपये अपनी लाइफ सेटल करनी पड़ेगी। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुद्रा योजना के तहत सारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको लोन दिया है, सबको उन्होंने काम से लगा दिया है। आपको मिला क्या मुद्रा लोन? सर मैं गया था बैंक में, कई प्रोसेस होते हैं ऐसे कि बैंक के बाहर ही खड़े रहो आप, अंदर मुद्रा लोन का फॉर्म तो लेके बता दो आप, फॉर्म तक नहीं मिलता। आपने ट्राई किया? गया था बिल्कुल सर। और आपके साथ में किसी को मिला मुद्रा लोन? नहीं, मेरे हिसाब से तो किसी को अभी मिला नहीं। आपके दोस्त हैं, आपके राजस्थान के जो साथी हैं, किसी को आपको पता है कि मुद्रा लोन मिला उनको? सर, मेरे हिसाब में, मेरे सर्किल में तो अभी तक तो किसी को मिला नहीं, बाकी पूछने गए थे, वापस आ गए। जाति धर्म के ऊपर जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्या यूथ यहाँ का जाति धर्म के नाम पे वोट डालेगा या मुद्दों पे, अपने जीवन से जुड़े सवालों के बारे में सोच के वोट डालेगा? सर एक मैं समझदार वोटर होने के नाते मैं जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं डालूंगा, मैं उसी व्यक्ति को वोट डालूंगा जो काम करेगा, क्योंकि काम को देख करके ही वोट दिया जाता है सर। बाकी युवाओं को भी अपील करेंगे आप? बिल्कुल अपील करूंगा सर कि हमेशा काम को देख करके ही वोट दियो, और धर्म, जाति ऐसी कोई विशेष तौर पे आप कोई वातन वो कोई मन ना करें, और अपना जो काम है, जो युवाओं के लिए काम करेगा, युवाओं के लिए मेहनत करेगा, युवाओं के लिए संघर्ष करेगा, उसे देख करके वोट दें। आप? मेरा नाम राकेश वर्मा है और मजदूर नगर का रहने वाला हूँ, यहाँ का मूल निवासी हूँ।